नमस्कार। जय माता जी दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर दिनेश जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर दिनेश जोशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं या सब्सक्राइबर बटन दबाएं, जिससे आने वाले टाइम में आपको ज्योतिष से संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता रहेगा। आज जो मैं आपको वशीकरण बताऊंगा बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध वशीकरण है और हर हाल में परिणाम देने वाला है। आज जो वशीकरण आपको बता रहा हूँ, फ़ोटो से वशीकरण। आज के वर्तमान युग में सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति की फ़ोटो पाना बहुत ही आसान कार्य है, और उससे आप कैसे वशीकरण कर सकते हैं, कैसे वो आपके काम आ सकती है, उसके लिए आज मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो वशीकरण क्यों करना चाहिए, किस पे करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, जैसा कि मैंने आगे भी आपको बताया है, वशीकरण का क्या अर्थ है। सामान्य अर्थ में देखा जाए तो वशीकरण का होता है किस अर्थ होता है किसी को अपने पक्ष में कर लेना, वशीकरण कहलाता है। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पे कब्जा कर लेना वशीकरण कहलाता है। अब ये क्यों करना चाहिए, जब आपके प्राण संकट में हो, किसी व्यक्ति से आपको राजदंड का भय हो, शत्रुओं का भय हो, तो आप कर सकते हैं। या पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बात तलाक की आ रही है और आप अपने डूबते ग्रह संसार को बचाना चाहते हैं, तो आप वशीकरण कर सकते हैं। या यूं कहे, किसी को और अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हो, तो आप वशीकरण कर सकते हैं। उसके लिए आपको शनिवार के रात्रि नहा धोकर शुद्ध होकर किसी निर्जन कोठरी घर में, ऐसे कमरे कोठरी में जाके बैठ जाए जहां आपको कोई परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे, और जिसे आप उसमें करना चाहते हो उस व्यक्ति का फ़ोटो ले लें, नाड़ा छेड़ी मोली ले लें, और रात में एकाग्रचित होकर जिस दिशा में उस व्यक्ति का घर है उस दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाए, और 1008 बार मंत्र बोलना है। जैसे एक मंत्र होता है वो पूरा नाड़ा छेड़ी उस फोटो पे बांधना है, ऐसे करके पूरी फ़ोटो पे 1008 मंत्र होगा तब तक वो पूरी फ़ोटो पे बांध दे। फिर उस फोटो को आपको किसी कपड़े में रख कर अपने गुप्त स्थान में दबा के रख दे। आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद ही वो व्यक्ति आपसे मिलने को बेचैन हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, दौड़ता आएगा और आपके प्यार में पागल हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन ले। ओम मंडारो अमुक वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम मंडारो अमुक वश्य कुरु कुरु स्वाहा। जहाँ पे अमुक शब्द आया है वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लेना है, स्त्री पुरुष पति पत्नी का नाम लेना है और श्रद्धा भाव से क्रिया करनी है। थोड़े ही दिन में वो व्यक्ति आपके प्रेम में पागल होगा, आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा, आकर्षित होकर आएगा और दौड़ता हुआ आएगा। ये प्रयोग किसी को छल कपट और तकलीफ़ देने के इरादे से न करें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है, आप तकलीफ में आ सकते हो। इसलिए कोई भी क्रिया करने से पूर्व किसी योग्य गुरु की अवश्य सलाह ले, उसके बाद ही ये क्रिया आगे बढ़ाए। अगर ये करने के बाद में भी सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई होगी, उसके लिए ना हमारी जिम्मेदारी है ना हमारे चैनल की जवाबदारी है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ भूल हुई होगी। अगर आपके जीवन में ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हो, उससे मुक्ति चाहते हो, तो फिर आप हमसे संपर्क करें। आप सभी मित्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा, निकाल किया जाएगा, जिससे आपका जीवन आनंद मंगलमय हो। हमसे जुड़ने के बाद सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, आप भी उस परिवर्तन का हिस्सा बने और अपना जीवन आनंद मंगलमय बनाएं। इसी के साथ अब मैं दिनेश भाई जोशी आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।